हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आफरीन बुटीक में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फ्रंट नेक की डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं नेक डिज़ाइन आप लोगों को बनाकर बताती हूँ। इस वीडियो में मैं नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ, जो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से है। सबसे पहले आप लोगों को एक ऐसा पेस्टिंग पेपर लेना है, ये हमारा खुला साइड है, ये हमारा बंद साइड है, हमने टू फोल्ड में रख लिया है। अब इसकी हम लोग कटिंग कर दें, निशान लगा लेना है, पहले 3 इंच पे लगाना है, फिर 6.5 इंच हम लोग गले के लिए दे रहे हैं, यहाँ पर 4.5 इंच पर लगाना है निशान। उसके बाद अब हम लोग इसे मिला लेते हैं। अब इसे यहाँ से तिरछे में मिला लेना है। अब इसके बाद हम लोग नीचे से 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे, एक बार 3 इंच पर लगाना है, दूसरी बार 3 इंच पर, तीसरी बार 3 इंच पर। अब हम लोग इसके 1.5 इंच पर लगाएंगे निशान। डेढ़ इंच पर बीच में लगा लेना। बीच वाले निशान से हम लोग को सामने में 1.5 इंच पर लगाना है। अब हम लोग इसे मिला लेते हैं, तिरछे तिरछे टाइप पे हम लोगों को सब निशान को मिला लेना है। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। अब हम लोग को नीचे से 1-1 इंच रख कर सेम डिजाइन पे मार्क करके वैसे कटिंग कर लेना है सेम साइज में। हर साइड से 1-1 इंच पर लगाना है निशान। अब मिलाते हुए चले जाना है सेम निशान पे। ये हमारा पूरा निशान लग चुका है 1-1 इंच पर, सेम निशान लगा लेना है 1-1 इंच पर। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छे से पूरा नोक निकाल कर कटिंग करना है ताकि हमारा गला का डिज़ाइन जो है बेहतर तरीके से और अच्छे से बन जाए। ये हम लोगों को सेकंड लाइन में भी अच्छे से जो हमने निशान लगाया पूरे निशान पे ही कट लगाना है। ये हमारा कट कर पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसे स्टिच करके बताते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा बनेगा। ये हम लोगों को ऐसे पेस्टिंग लगा लेना है कपड़े पे रख कर आयरन से। उसके बाद अब हम लोग इसमें कट लगाएंगे कैंची की मदद से, कोने कोने में कट लगा लेना है ताकि हमारा गला अच्छे से पलट सके। अब इससे हम लोग मशीन से यहाँ पर सिलाई ऐसे रख रख कर मोड़ मोड़ कर जितना कपड़ा हमारा साइड का है ऐसे पूरा सिलाई लगा लेना है पूरे में। ऐसे
पूरे में सिलाई लगा लेना है मशीन से। ये हमने कपड़े पर रख कर पूरा अच्छे से सिलाई लगा लिया है। अब हम लोग इसे कपड़े के ऊपर बैठाएंगे। ये हमारा पलट कर ऐसा होता है। अब हम लोग इसे कपड़े के ऊपर बैठाएंगे। ये हम लोगों ने कपड़े का पीस ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे कट लगा लेते हैं। पहले ऐसे बीच में कट लगाना है। अब हम लोग को पेस्टिंग में भी ऐसे सेम बीच में कट लगा लेना है, ऐसे मोड़ना है। हम लोगों को सेम कट लगा लेना है पेस्टिंग में भी। ये हमने कट लगा लिया। अब हम लोग इसे अच्छे से बैठाते हैं। कपड़े का उल्टा साइड पे रखना है। कपड़े को मैंने उल्टा करके रखा है। अब हम लोग पेस्टिंग को उल्टा करके ही रखना है ताकि हमारा जब पलट कर आए गलत तो सीधे में आए। कपड़े को भी उल्टा रखना है और पेस्टिंग वाला पेपर को भी उल्टा करके रखना है उसके ऊपर। ऐसे रखने के बाद अब हम लोग इस पर सिलाई लगाएंगे। ये अब हम लोग को पेस्टिंग के पास से पूरा अंदर से सिलाई लगाते हुए चले जाना है पूरे साइड में। हम लोगों को अपने पूरे साइड में अच्छे से निशान लगाना है पेस्टिंग के पास से। मैंने इसे पूरे में कपड़े में लगा लिया है सिलाई। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले बीच से ऐसे कट लगा लेना है सीधा। अब हम लोग इसकी पूरे अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। हाफ हाफ इंच रखकर कटिंग करना है साइड से कपड़ा। हमारे एक साइड का कट हो चुका है। अब हम लोग सेकंड साइड अपना कट कर ले रहे हैं हाफ हाफ इंच रखकर। ये हमारा पूरे में कट लग चुका है। अब हम लोग इसे कोने कोने में अच्छे से एक एक कट देंगे ताकि हमारा अच्छे से पलट सके गला डिजाइन। ये कट लगाना जरूरी है। ये हम लोगों ने पूरा सामने की तरफ पलट लिया है। अब हम लोग इसमें पाइपिंग लगाएंगे। चलिए अब हम लोग पाइपिंग लगा के आपको बता देते हैं। ये हमने कपड़े को काट लिया है तिरछे से। हम लोग बॉल डोरी इसमें बनाने वाले हैं। डोरी के लिए ये मैंने कपड़ा काटा है। कपड़ा आप लोगों को तिरछे में काटना, अगर सीधे में काटेंगे तो पाइपिंग नहीं पलटेगा। ये हम लोगों के पास डोरी है। इस डोरी की मदद से हम लोग बनाने वाले हैं डिजाइन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों को कपड़े के अंदर डोरी डालना है। कपड़े जो हम लोगों ने काटा था डोरी के लिए उसको डालना है अंदर। उसके बाद सिलाई लगाना है। ये हमारा हाफ चाप की मदद से बनता है। ये चाप देख लीजिए आप लोग। इसी से बॉल डोरी के लिए हम लोग का पाइपिंग तैयार होता है। अब हम लोग सिलाई लगाते हैं।
पूरे में ऐसे बॉल रोटी डाल के अच्छे से पैकिंग तैयार कर लेना है हम लोगों को। ये हम लोगों ने बॉल डोरी की मदद से अपना पाइपिंग तैयार कर लिया है। बहुत ही पतला सिलाई लगा है, देखिए कितना अच्छे से बन गया है। अब हम लोग इसे अपने डिजाइन पर बैठा लेते हैं। ये हम लोगों को नीचे पहले पाइपिंग रखना है, उसके ऊपर कपड़े रख के सिलाई लगाते जाना है पूरे गले में। ऐसे नीचे रखकर पूरे में सिलाई लगाना है पूरे गले में। हमारा बहुत अच्छे से नोक घूम जाता है। ये हम लोगों का गला दोनों साइड पाइपिंग लगकर पूरा तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर कपड़ा लगा लेना है। एक कपड़े का टुकड़ा लेना है लंबा सा, इसे हम लोग ऐसे बैठा लेंगे पूरा जॉइंट तक। ये हम लोगों को कपड़ा डालकर अब सिलाई लगा लेना है यहाँ पर। अब इसके हम ऊपर हम लोग एक बटन बैठा लेते हैं। इस तरह के बटन हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ये हमारा नेक डिजाइन पूरा तैयार हो चुका है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।